नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से मैं डॉक्टर रविंद्र मारू आपके समक्ष हाजिर हूं जन सरोकार मंच टॉक की इस बेहद खास लाइव श्रृंखला में। आज हमारे साथ है अभिनेता रंगकर्मी राजेश विलयराय। इससे पहले कि हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें, एक छोटा सा परिचय राजेश विलयराय। राजेश कोटा के एक जाने माने रंगकर्मी हैं, अभिनेता हैं। आप कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, चंडीगढ़, पंजाब, भानपुरा और भोपाल, मध्य प्रदेश, मुंबई, बेंगलोर, कर्नाटक, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड, केरला और एनएसजी दिल्ली का कमाल दिखा चुके हैं। आपने हाल ही में FTI यानी फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुणे में भी एक शॉर्ट मूवी में मुख्य किरदार निभाया है। राजेश जी, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि ये यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई, किस तरह से आपने आपके जीवन में एक अभिनय का रंग उतर आया। सबसे पहले तो मैं आपका और विशेष रूप से जन सरोकार मंच टॉक का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। जी, मेरी यात्रा शुरू हुई थी आज से तकरीबन 17 वर्ष पहले। जी, अभिनय का शौक मुझे हमेशा से रहा है, मुझे बचपन से रहा है। जी, और मुझे लगता था इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए, तो मुझे हमेशा यही लगता था कि इसके लिए बम्बई जाना होगा और वहाँ ऑडिशन के लिए लंबी कतार लगती होगी, तो मुझे भी ऐसा ही करना पड़ा। पर एक दिन मैंने अखबार में खबर देखी कि जयपुर के एक निर्देशक हैं साबिर खान साहब, और कोटा में उनकी एक वर्कशॉप लगने वाली, थिएटर की वर्कशॉप उनकी लगने वाली, और उसमें थिएटर मतलब एक्टिंग उसमें सिखाई जाएगी। जी, इससे पहले मैं कभी रंगमंच से जुड़ा नहीं था, मुझे पता नहीं था कि रंगमंच क्या होता है। तो मैं वहाँ पर गया और मैंने अपना परिचय दिया और उन्होंने मुझे वर्कशॉप के लिए मुझे उन्होंने चुन लिया। तो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। वो तकरीबन 20 दिन की एक वर्कशॉप थी, प्रोडक्शन बेस्ड वो वर्कशॉप थी, और उसमें मेरे जीवन का पहला नाटक जो कि विजय तेंदुलकर जी द्वारा लिखित जाति पूछो साधु की था जी, वो उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। तो फिर यहाँ से मेरी रंगमंच की शुरुआत है इस तरीके से। बहुत ही बढ़िया। नाटकों की वैसे तो एक बेहद लंबी फहरिस्त मैंने पढ़ा है आपके बारे में जी। वो है, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा किरदार है, ऐसा कौन सा पात्र है जिसे आपने भरपूर जिया हो, या जो आपके लिए एक तरह से यादगार रहा हो, या वो एक मोमेंट, एक ऐसा किरदार जिसको आपको लगता है कि हाँ यहाँ कुछ बात बनी। देखिए, एक अभिनेता जितने भी चरित्र का निर्वाह करता है अपने नाटकों में या फिल्मों में, वो चरित्र सभी खास होते हैं जी। लेकिन जैसा आपने कहा कि एक कोई ऐसा चरित्र जो बिल्कुल दिल के बेहद करीब हो, वो कोई ना कोई तो होता ही है। तो अभी हाल ही में मैंने फिल्म में काम किया, FTI की फिल्म में मुझे काम करने का मौका मिला। उस फिल्म में जो मेरा चरित्र था जी, वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि वो एक बिल्कुल चुनौतीपूर्ण चरित्र था, बिल्कुल एक अलग किरदार था। मतलब जैसा मेरा व्यक्तित्व है उससे वो बिल्कुल अलग था जी। तो वो मेरे लिए वो भूमिका निभाना मेरे लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण था, तो उसके लिए मैं बड़ी मेहनत भी की थी, और उसे करने में मुझे सबसे ज़्यादा आनंद आया। वैसे तो सभी चरित्रों को करने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन वो करने में मुझे बड़ा आनंद आया, सबसे ज़्यादा आनंद उसमें जी। आप कह रहे हैं कि साबिर खान साहब के साथ आपने प्रारंभिक अपनी वर्कशॉप की और उसके बाद आपने जो नाटक किया, तो मैंने कहीं आपके बारे में पढ़ा था कि आपने किसी एक नाटक का निर्देशन भी किया है, वो क्या घटना थी? जी जी, आप उदयपुर पड़े और नहीं, दरअसल वो नाटक नहीं था, वो ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी थी। वो कहानी का मुझे निर्देशन करने का मौका मिला था जी। उस कहानी का नाम था हिंसा परमो धर्म। उस कहानी का मैंने निर्देशन किया था, एक छोटी वो स्टोरी थी और वो करने में बड़ा मजा आया, तो उसमें मैंने निर्देशन भी किया था और उसमें अभिनय भी किया था जी। जी, बीच में एक ऐसा अरसा आया था कि जब राजेश जी ने रेडियो पे भी काम किया, आकाशवाणी कोटा में भी अपना सहयोग किया, एक समय आप वहाँ गए थे और मैंने आपके
कुछ कुछ चीजें सुनी थी। तो एक सवाल है जो उठता है कि एक अभिनेता जब रेडियो पे जाता है, ऐसी जगह जाता है जहाँ आकाशवाणी का एक प्रोग्राम है, जबकि आपके सामने आपकी ऑडियंस नहीं है, तो एक एक्टर वहां जाकर के क्या पाता है कि उसके लिए क्या है वहां पर, या आपने क्या वहां पर सीखा, क्या पाया, कैसा रहा आपका वो अनुभव जब आप रेडियो पे थे? एक बार रेडियो पे काम करने की मेरी इच्छा थी कि मैं रेडियो पर, मुझे ऐसा लगता था कि मैं रेडियो पे काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। केवल वो एक प्रयोग था कि भाई मैं देखूँ कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, और मैं अगर कर सकता हूँ तो मैं कितना अच्छे से उसको कर सकता हूँ। वो किया मैंने, और वो करने में भी मुझे बड़ा मजा आया, क्योंकि वहाँ पे रेडियो और मंच में एक जो मूलभूत अंतर है वो ये है कि मंच पर जब हम अभिनय करते हैं तो वहाँ पे हमारे ऑडियंस, हमारे दर्शक हमारे सामने होते हैं, लेकिन जब हम रेडियो पे होते हैं तो वहाँ पे सारा दारोमदार एक्टर की आवाज़ का होता है। तो वहाँ पे जो कुछ भी वो बोल रहा है, वहाँ पे जो अदाकार है वो केवल उसकी आवाज़ है, वहाँ पे मूल तत्व केवल आवाज़ है। तो जो कुछ भी साकार करना होता है वो केवल आवाज़ के जरिए साकार करना होता है। तो वो एक प्रयोग, एक मेरे लिए प्रयोग भी था और एक बहुत अच्छा अनुभव भी था। लोगों को मेरी आवाज़ पसंद आई, देखिए रेडियो खुद एक मुकम्मल कदम है, रेडियो खुद कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा जरिया है। ऐसे में रेडियो पे जब हम जाते हैं तो अपनी भाषा पे, अपनी जो उच्चारण की जो कमियां हैं, जो कि कुछ चीजें हैं जो आपको बोलने का लहजा है, क्योंकि वहां पर सब लोग सुनते ही है, तो क्या मैं ये मानूं कि आपको वहां पर उस तरह का काम, उस तरह के सुधार, उस तरह की जो फ्लुएंसी वाली जो बातें हैं, उन पर भी कुछ हद तक काम हुआ होगा? जी, एक अभिनेता होने के नाते इन चीजों पर मैंने पहले काम किया हुआ था। एक अभिनेता के लिए जरूरी है कि उसका डिक्शन जो है वो बिल्कुल स्पष्ट हो, उसका उच्चारण जो है वो बिल्कुल स्पष्ट हो, शब्द बिल्कुल साफ आते हो, तभी वो अपनी बात दर्शकों तक पहुंचा पाएगा। तो इस चीज़ पे मैंने पहले काम किया हुआ था, चूँकि मेरा उच्चारण मेरा स्पष्ट है, मेरा उच्चारण ये मैंने, इसके लिए मैंने काम बहुत किया था पहले, जब मैंने शुरुआती तौर पर जब मैं रंगमंच से जुड़ा था, तो वहाँ पे मुझे काम करने में इतनी दिक्कत आई नहीं, क्योंकि उच्चारण पर मैंने काम किया हुआ था, शब्दों पर मैंने काम किया हुआ था, पढ़ने की आदत क्योंकि शुरू से रही है, बोल बोल के मैं पढ़ा करता था, तो वो अनुभव जो था वो वहाँ पर काम आया। रेडियो में जो मुख्य बात होती है कि आपका जो उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, शब्द बिल्कुल सही होने, अल्फाज जो हों वो बिल्कुल सही होने चाहिए, अल्फाजों में मतलब जैसे कहीं अगर नुक्ता लगना है तो वो नुक्ता वहाँ पे दिखना चाहिए। जी, 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 तो इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पे शब्द ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पे दिखाने के लिए आपके पास एक्टर के पास भाव भंगिमाएं नहीं है, वहाँ पे हम आंखों से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वो आपका शब्द ही है, वो आवाज ही, तो आवाज का उतार चढ़ाव और सही शब्दों का उच्चारण, ताकि सुनने वालों को एक तो स्पष्ट होगी क्या कहा जा रहा है और साथ ही सुनने का उनको आनंद के लिए। निश्चित रूप से मुझे भी ऐसा लगता है कि रेडियो पे एक्टर्स को जाना ही चाहिए, उससे उनकी आवाज संबंधित जो भी काम है जी वो होते हैं, और निश्चित रूप से एक अच्छा अनुभव रहा होगा आपके लिए। जी, वो मेरे प्रयोग भी रहा और वो मेरे अनुभव भी बहुत अच्छा रहा। जी, एक और क्वेश्चन ये था कि एक अभिनेता जब अभिनय करता है और उसके अभिनव में एक सत्व जिसको कहेंगे, सात्विकता कहेंगे, ये क्या है? सात्विकता, जितना मैं समझा हूँ अभिनय को लेकर के, कि आप सात्विकता को कह सकते हैं कि एक अर्थ में पवित्रता, मतलब जिस पवित्र भाव से हम पूजा करते हैं, ईश्वर की पूजा हम जिस पवित्र भाव से करते हैं, वही पवित्रता का भाव अगर अभिनय में आएगा तो वो मुझे लगता है कि वो सात्विक अभिनय है। और सात्विक अभिनय से मतलब कि भीतर के भावों को लेकर के जो अभिनय किया जाए वो सात्विकता है, जिसमें कि बाहरी कुछ नहीं है। जो मान सात्विक अभिनय से जितना मैं समझाऊँ वो ये है कि वो जो पात्र है, वो जो चरित्र है, उस चरित्र के मनोभावों को महसूस करना और उस मनोस्थिति से गुजरना जिस मनस्थिति से वो पात्र गुजर रहा है, exactly. उसे महसूस करके और उन भावों को महसूस करके जी. अगर अभिनेता उसको बोलेगा या उसको महसूस करके उसको जाहिर करेगा,
तो वो उसमें एक ईमानदारी नजर आएगी, उसमें एक स्पष्टता नजर आएगी और उसमें एक सच्चाई नजर आएगी। यस तो मुझे लगता है ये सात्विक अभिनय माने उस चरित्र के मनोभावों को समझना, उसकी मनस्थिति को समझना, वो जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, जिन घटनाओं से वो गुजरा है जीवन में, उन सबको महसूस करना, उसे अपने मन में जीना। जी कि यदि मैं उस जगह होता तो मुझ पर क्या गुजरती वो सब कुछ, यानी कि उस चरित्र के अंतस को छू कर के अगर यदि अभिनय किया जाए तो मुझे लगता है वो सात्विक अभिनय है जो भीतर से बाहर की ओर आए। बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी बात। एक और बात है कि राजेश जी आप पहचाने जाते हैं अपनी आवाज के लिए, अपनी एक गड़गड़ाश जो आपकी आवाज में ईश्वर ने जो आपको बख्शी है। मैं खुद भी चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी चाहेंगे कि आप अपने नाटकों में से किसी एक नाटक पे कोई डायलॉग जो आपको बेहद अच्छे लगते। अभिज्ञान शाकुंतल कालिदास जी का लिखा हुआ एक बहुत अच्छा नाटक है, उसमें राजा दुष्यंत की भूमिका करने का मुझे मौका मिला था। तो उनका एक संवाद है जो कि वो शकुंतला के लिए कह रहे हैं, वो मैं आपको बोल करके दिखा सकता हूँ। जी प्लीज। उसमें जो है कि राजा दुष्यंत जंगल में आए हैं शिकार के लिए और उनकी नज़र पड़ती है शकुंतला पर। जी। तो शकुंतला के रूप से वो बहुत मोहित हो जाता है, तो वो उस रूप का जो वर्णन कर रहे हैं अपने शब्दों में वो कुछ ऐसे है कि जिधर जिधर से भंवरा उड़कर आता है उधर उधर को इसकी तिरछी आंखें घूम जाती हैं। इन आंखों में कामना नहीं केवल भय, फिर भी इसकी नाचती मोहों को देखकर लगता है कि ये केवल दृष्टि विलास का ही अभ्यास कर रही है। इसकी चंचल और कांपती आंखों को छूकर भेद की बात कहने की बजाय कानों के पास हौले से गुनगुनाकर और लगातार इसके हाथ पटकने पर भी चुपके से इसके अधरों का रस पान करके और इस तरह रति का सर्वस्व पाकर मधुकर तुम तो कृत कृत्य हो। मारे गए हम जो अभी तक केवल वास्तविकता ही खोज रहे हैं, कांपती सी चंचल दृष्टि, भावों की कुटिल भंगिमा, बल खाए सुंदर कटी तिरछी होकर बार बार हिलती हुई कोमल पत्तियों जैसे हाथ ऊपर नीचे थिरकते हुए, ये सब और खुले अधरों से निकलता हल्का शीतकाल, जान पड़ता है ये सुस्तनी भमरे के डर से व्याकुल तापस कन्या नहीं, बिना वाद्यों के नाचती कुशल नर्तकी है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिल को छू लेने वाले ये आपके डायलॉग्स हैं। निश्चित रूप से हमारी ऑडियंस आनंद ले रही होगी। और आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि आपने FTII में जो फिल्म की थी उसमें आपका लीड रोल था और जो मूवी वगैरह जो आपने की उसके अनुभव कैसे रहे आपके लिए? जी हम उसके लिए कई दिनों से हम तैयारी करते हैं और नाटक शुरू होता है अंत तक हम लोग मंच पर रहते हैं, लेकिन फिल्म में ऐसा नहीं होता। फिल्म में एक सुविधा ये होती है कि टुकड़ों में फिल्म बनती है, तो हमको पूरे डायलॉग्स जो होते हैं वो पूरे एक साथ लेकर के चलने होते हैं। दर्शकों का तो रेस्पॉन्स है, वो हमको हाथों हाथ मिल जाता है रंगमंच में, फिल्म में हमको ये सब कुछ बाद में देखने को मिलता है, तो ये सारी चीज़ें और थोड़ा अभिनय का भी फर्क है। रंगमंच और फिल्म के जो फिल्म में जो अभिनय किया जाता है तो उसमें थोड़ा सा कुछ फर्क है। जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लोग एक अभिनेता के लिए जब वो फिल्म में काम करता है तो वो उसको बिगाड़ तो नहीं देती कि उसको रीटेक का मौका है, क्योंकि रंगमंच में आपके लिए ये एक लिबर्टी नहीं है, मौका नहीं? नहीं मानो सर, मैं ऐसा समझता हूँ कि रीटेक, देखिए जब हम मंच पर जाते हैं तो वहां पे हम महीने दो महीने छह महीने के अभ्यास के बाद जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर ठीक है हम छह महीने के अभ्यास के साथ हम फिल्म के सामने नहीं जाते, तो
वहाँ पे हमको अभ्यास करने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा कम समय मिलता है, तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा जस्टिफाई कर सकते हैं। और जहाँ तक रिटेल लेने की बात है, तो कभी कभी ये हो सकता है कि आपने अच्छा किया लेकिन आपका जो सह कलाकार है उसकी वजह से रिटेल लेना पड़ा है, क्योंकि फिल्म क्या है, फिल्म एक तकनीकी एक माध्यम है, तो उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि साउंड की गड़बड़ की वजह से रिटेक लेना पड़ता है, कभी सिनेमा तो काफ़ी वो एक फ्रेम सही नहीं आया उस वजह से, या पीछे से सिर्फ शॉट चल रहा है, पीछे से कहीं से कोई साउंड आ गया, या टेक्निकलिटी अगर ठीक तरीके से नहीं बैठी, कहीं थोड़ा सा शेडो आ गया सीन के अंदर, तो वो तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि केवल इसमें जो निर्देशक है उसका भी, क्योंकि सीन में केवल निर्देशक, इसमें केवल एक्टर्स की एक्टिंग ही नहीं देखता, उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, वो फ्रेम किस तरीके का बन रहा है, वो फ्रेम का इम्पैक्ट कैसा पड़ रहा है, उसके पहले का क्या सीन है, उसके बाद का क्या सीन है, तो वो सीन कैसा प्रभाव उत्पन्न करेगा, तो जैसा प्रभाव निर्देशक चाह रहा है बिल्कुल वैसा अगर उसको ना मिले तो वो रीटेक उस स्थिति में भी रीटेक होता है। कभी कभी लाइट प्रॉपर नहीं आ रही, या लाइट में कुछ लाइट कभी कम हो गई, कभी ज़्यादा हो गई, तो ये सारी बहुत सारी बातें हैं। मैं अपने जो साथी हैं यहाँ पर, शरीफ नारायण साहब हैं और नासू बाबा भी हैं, मैं नासू बाबा से थोड़ा निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे साउंड क्लियर आ रहा है, प्लीज चेक कर लीजिए, क्योंकि राजेश भाई के जो साउंड है उसको हमें थोड़ा सा डाउट हो गया है कि जी। चढ़ी चमेली में भी आपका एक डायलॉग है, बड़ा फेमस सा डायलॉग है कि उसमें, वो डायलॉग हम इसलिए भी सुनना चाहते हैं कि देखिए जो लैंग्वेज है, जो एक माध्यम है, उसमें जो फ्लेवर है, चढ़ी का फ्लेवर थोड़ा अलग टाइप का है, तो हम इसलिए चाहते हैं कि आप उसको भी सुनाइए। वो पहला नाटक था जो मैंने हड़ौती में किया था, तो वो करने में मुझे बड़ा मजा आया था, क्योंकि भाषा, अपनी भाषा तो अपनी भाषा होती है, अपनी भाषा का रस होता है वो कुछ ज्यादा ही मीठा होता है, तो वो मुझे करने में बड़ा मजा आता है। उसका एक डायलॉग है, मुझे याद नहीं आ रहा वो क्या था, उसमें एक ठाकुर साहब है जो चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वो चूंकि वो संबोधित कर रहे हैं पूरी सभा को, तो उसमें राणाओं करके वो नहीं, वो बाद में था, उससे पहले कुछ था कि वो संबोधित करने के लिए जा रहे हैं। चलिए मैं आपको दूसरा संबोधित, असल क्या है कि उसमें नेताजी चुनाव पिछली बार हार गए थे जी जी, तो अब वो वापस जा रहे हैं लोगों के पास, तो बड़े गुस्से में है नेताजी, बड़े गुस्से में है, तो अब उनको ये लगता है कि इस बार वो चुनाव ना हार जाएं, और वो चूंकि बहुत एहसान किए हुए उन लोगों नेताजी ने गाँव, तो वो उनको बड़े अधिकार के साथ दबाते हैं, तो उसमें वो ये है कि देखो रे, एक बार सूदी साची हो जाओ तो घणो चो, मना सुनी के पासला चुनाव में था रावड़ा सु उल्टा चले, हाँ साची से कहीं, साची से कहीं कारे सीतरिया बोले गाने, साला राजा हरिश्चंद्र की औलाद, कान खोल के एक बात सुन लियो सबका सब, वोट पड़वा का दन रावड़ा में एक क्या हो जायो, वरना मु टांगा काट फेंक दूंगू, मासूम उल्टा चल, ये बड़ा है डायलॉग, में बहुत बड़ा है, निश्चित रूप से बड़ा है, और ये डायलॉग हमारे लिए इसलिए भी जरूरी था कि हड़ौती फ्लेवर का एक ऐसा डायलॉग है जो चेंज करता है, कहीं एक एक्टर जब अलग अलग भाषाओं में अपनी एक्टिंग करता है, अलग अलग भाषाओं पे काम करता है, तो एक एक्टर की प्रतिभा निश्चित रूप से और निखर जाती है, और एक्टर के लिए जरूरी है कि वो अनेक भाषाओं में अपना काम करे जी। एक और बात है कि जब आप फिल्मों में काम करते हैं, जब आप टेक्निकल काम करते हैं और थिएटर से, ये बड़ा प्रासंगिक एक प्रश्न है कि आखिर क्या वजह है कि जिसे थिएटर का कलाकार है वो भागता है फिल्मों की ओर, आपको अब तक के पूरे सफर में ऐसा क्या लगा कि ऐसा क्यों होगा, या क्या ऐसा है कि जो
एक एक्टर उसी तरफ रुझान रखता है अपना फिल्मों की ओर, अब वो थिएटर को छोड़ता है या थिएटर के साथ नाइंसाफी करता है, कहीं वो सीखता सारी बातें थिएटर से ही है, लेकिन तो आपको क्या लगता है? मैं ऐसा मानता हूँ कि ये व्यक्तिगत चुनाव का विषय है जी, कि उस अभिनेता को अपना अभिनय रंगमंच पे करना है या टीवी के माध्यम पे करना है या फिल्मों के माध्यम पे करना है, तो ये उसकी व्यक्तिगत रुचि का विषय है कि वो किस माध्यम की ओर बढ़ना चाहता है जी। मैं कई ऐसे एक्टर्स को जानता हूँ जिसमें मेरे कुछ मित्र भी हैं जो बरसों से रंगमंच पे सक्रिय हैं और जो रंगमंच छोड़ के वो कहीं नहीं गए, तो उन्हें लगता है कि रंगमंच ही उनका जीवन है, वो जितना आनंद रंगमंच को प्राप्त करते हैं, जितना आनंद उनको रंगमंच में मिलता है, वो उन्हें लगता है कि वो आनंद उनको फिल्मों में मिलता है। और उन्हें फिल्मों में भी काम किया, ऐसे कई एक्टर्स हैं हमारे बॉलीवुड में भी एक्टर्स हैं जो फिल्मों में आए फिर वापस वो आगे को थिएटर पर सक्रिय हैं। दूसरी चीज़ मैं ये मानता हूँ मारू जी कि इसमें पैसा भी एक भूमिका निभाता है, क्योंकि रंगमंच में उतना पैसा नहीं है और क्योंकि पैसे की जरूरत कलाकार को भी होती है, कलाकार भी एक इंसान है, उसको भी पैसे की जरूरत है, तो उस पैसे की आवश्यकता को पूरी करने के लिए वो फिल्मों की ओर भागता है या फिल्मों की ओर जाता है, फिल्मों की ओर उसका रुझान होता है। लेकिन मुझे लगता है कि रचनात्मक संतुष्टि जो एक अभिनेता को मिल सकती है वो रंगमंच पर ही मिल सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा एक्टर्स करते हैं कि केवल पैसों के लिए वो फिल्मों में काम करते हैं क्योंकि अपना घर सबको चलाना है और रंगमंच में उतना पैसा नहीं जितना फिल्मों से एक अभिनेता कमा सकता है, तो एक तो यह है। और दूसरा व्यक्तिगत रुचि का विषय भी, जैसा मैंने कहा कुछ एक्टर्स हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि नहीं हम फिल्म के लिए बने। अच्छा, इसमें जैसा मैं मानता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कुछ एक्टर्स कैमरा एक्टर्स होते हैं, वो कैमरा पे उनका एक्टिंग बहुत अच्छा होता है, वो कैमरा एक्टिंग के लिए बने होते हैं, और कुछ एक्टर्स होते हैं कि जो मतलब आप अगर हम स्टेज पर देखेंगे उनको लगता है तो वो मतलब स्टेज पर जादू कर देते हैं, तो कुछ होते हैं कि जो स्टेज पे बहुत जादू करते थे पर कैमरा के अगर इतना अच्छा नहीं कर पाते, कुछ कैमरा में तो गजब करते हैं पर वो स्टेज पे इतना अच्छा नहीं कर सकते, तो इसमें भी कई सारे पहलू हैं, केवल एक पहलू नहीं है कि रंगमंच छोड़कर रंगमंच केवल एक सीढ़ी है फिल्मों की ओर जाने की, ऐसा नहीं, रंगमंच एक बहुत बड़ा माध्यम है। कौन से माध्यम में इजहार करना चाहिए, आपका रुझान क्या है? मेरा रुझान दोनों तरफ है, बेहद ईमानदारी के साथ अगर मैं कहूँ, मुझे अगर अच्छा काम करने का मौका मिले तो मैं रंगमंच पे भी काम करूँगा, रंगमंच में मुझे करना ही, रंगमंच में छोड़ नहीं सकता, क्योंकि रंगमंच मुझे लगता है अच्छा एक्टर रंगमंच बनाता है, थिएटर आदमी को एक अच्छा एक्टर बनाता है, मतलब एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग, रंगमंच कॉन्फिडेंस बहुत देता है, कैमरा के आगे जाने का जो कॉन्फिडेंस एक थिएटर आर्टिस्ट के अंदर होता है वो अलग ही होता है, वो अलग दिखता है। और ऐसा देखने में भी आता है आजकल की जो फिल्मों में जब एक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो मुख्य रूप से विशेष तौर पे रंगमंच के एक्टर्स को प्राथमिकता देते हैं कि इसके लिए थिएटर एक्टर्स ही चाहिए जी। और अच्छा काम करने का मौका मिलेगा, मैं मुझे अगर थिएटर में मिलेगा मैं थिएटर में भी करूँगा, फिल्मों में करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं केवल फिल्मों के लिए रंगमंच को छोड़ूंगा, क्योंकि फिल्म में काम करेंगे भले ही वो अच्छा काम ना हो तो भी जमा नहीं, अगर अच्छा काम मिलेगा तो फिल्में भी मेरे लिए, फिल्म भी एक मेरे लिए विषय है, काम करने का मेरा क्षेत्र है। एक और बात थी बहुत समय से मेरे दिमाग में एक देवगुण सी है कि अच्छा है कि आप लिए, और एक एक्टर का जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो ये मुझे पर्सनली सा लगता है थोड़ा सा कि एक एक्टर जो है उसका जीवन क्या है, वो कैसे जीता है, लाइक वो जो अभिनय करता है वो कुछ समय के लिए जो अभिनय करता है ठीक है, लेकिन वो अपने जीवन में उस नाटक को कैसे देख पाता है या अपने जीवन के नाटक को कैसे देखता है, ये एक बात है। तो आपको क्या लगता है कि जीवन का नाटक जो है उसको आप कैसे देख पाते हैं? ये बड़ी गहरी बात है, ये बड़ी गूढ़ बात है, इसके लिए मैं शेक्सपियर कह के गए थे कि ये पूरी दुनिया ही एक रंगमंच है जी, और हम लोग आते हैं अपना किरदार अदा करते हैं, एक दिन हम इस दुनिया से चले जाते हैं, पर्दा गिर जाता है जी। एक बहुत अच्छी बात, जब मैंने थिएटर करना शुरू किया था तो मैंने सुनी थी कि अभिनय करें तो ऐसा करें जैसे आप उसको जी रहे, और जब आप जी रहे हैं असल जिंदगी में, जब आप जी रहे तो आप उसको ऐसे जो जैसे कि आप अभिनय कर रहे हैं जी। तो मैं मानता हूँ कि ये
मुझे तभी समझ में नहीं आया था, मैं ईमानदारी से कहूं मुझे अभी भी ये बात बहुत अच्छी मतलब पूरी गहराई से मुझे ये बात समझ में आई नहीं। लेकिन हाँ ये तो ठीक ही है कि हम असल जीवन में भी अभिनय ही करते हैं, क्योंकि हमारी देखिए हमारी बहुत हमारी भूमिका हर जगह अलग अलग होती है। हम घर में भी पिता के साथ हमारा व्यवहार अलग होता है, जब हम पिता के सामने होते हैं हम अलग होते हैं, माँ के सामने हम अलग होते हैं, भाई के सामने हम अलग होंगे, बहन के सामने अलग होंगे, अपने बच्चे के सामने हम अलग होते हैं, सबके साथ हमारा व्यवहार अलग अलग होता है। जैसा जैसा हमारा व्यवहार पिता के साथ होगा वैसा माँ के साथ नहीं होगा, बेटी के साथ नहीं होगा, बहन के साथ नहीं होगा, भाई के साथ नहीं होगा, दोस्त के साथ नहीं होगा। दोस्त के साथ हम बिल्कुल उन्मुक्त होते हैं, बिल्कुल स्वच्छंद होते हैं। नौकरी जब हम कहीं कहीं करते हैं तो वहाँ बॉस के साथ हमारा व्यवहार अलग होता है, हमारा जो हमारे संस्था जो नीचे काम करने वाले उनके साथ हमारा, तो हर जगह अभिनय तो है ही। तो क्या फिर वो जो अभिनेता है वो कॉन्शियस होता है इस बात को, ये अभिनय जो जीवन में हो रहा है उसे आम लोग भी करते हैं। एक आम आदमी जो एक पिता है वो क्योंकि बच्चे को मिलके और अब एक पिता वाला अभिनय करता है, एक शिक्षक अपनी क्लास में जाने के बाद एक शिक्षक होने का अभिनय करता है। लेकिन क्या जो एक एक्टर है क्या वो इस जिम्मेदारी को उठाता है कि मैं एक्टर हूँ, और वो कॉन्शियस रहता है, कहीं वो प्रेक्षण करता है, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है कि वाकई में क्या चल रहा है उसके जीवन में, और जो उसके उतार और चढ़ावों को क्या वो देख पाता है? देखिए अगर वो सच्चा एक्टर है, अगर वो एक्टिंग को केवल टाइम पास के लिए नहीं ले रहा है, केवल शौकिया तौर पे नहीं उसने लिया है अपने एक्टिंग प्रोफेशन को, मतलब एक्टिंग का जो पेशा है उसको अगर उसने शौकिया तौर पर नहीं लिया है, उसके अभिनय में सच्चाई है और वो मन से स्वीकार करता है कि मैं एक्टर ही हूँ, या वो अपनी उसकी जीविका उसकी जो आजीविका है वो एक्टिंग से ही चलती है, तो वो निश्चित तौर पर अपने असल जीवन में भी परिस्थितियों को उनका परीक्षण करता है, उनका ऑब्जर्वेशन करता है और उनको सूक्ष्म रूप से देखता है। और तभी जब वो पर्दे पर आता है या मंच पर उतरता है तो उसके अभिनय में उनको सच्चाई दिखाई देती है। लेकिन वो सच्चाई आपको एक शौकिया कलाकार में नहीं दिखाई देगी, आपको केवल टाइम पास के लिए कि भाई शाम को नौकरी से फ्री हो गए शाम को कर लेंगे। मैं समझता हूँ ये एक प्रकार का सेंस है जो डेवलप होता है बहुत सारे नाटकों में जब आप काम कर चुके होते हैं, बहुत सारा अभिनय। और आप किस तरह से जीवन ये अपने अपनी ही तरह का एक लेवल होता होगा शायद, ऐसा मुझे भी लगता है। जी हाँ जी हाँ। खैर थोड़ा सा चेंज करते हैं, आपने शुरू में बात करी कहानी की, जब आपने आपका जो प्रारंभ था वो एक तरह से उद्गम जो था आपके प्रारंभ था ये सब कहानी से ही शुरू हुआ। तो कहानी क्या है, कहानी का महत्व क्या है, हमारे जीवन की कहानियां क्या है, थोड़ा सा इस पे भी प्रकाश डालो तो अच्छा रहेगा। इतनी गहरी समझ मुझे अभी तक बनी नहीं है कि मैं इस विषय पे कुछ बोल सकूं, पर जितनी बहुत सीमित समझ जो मेरी अब तक बनी है, मैं ऐसा मानता हूं कि कहानी कहानियों से हमारा अवचेतन बनता है, हमारा जो सामूहिक अवचेतन बना है वो कहानियों के माध्यम से ही बना है। क्योंकि और वैदिक काल से या पौराणिक काल से हम लोग कहानियां ही सुनते आए हैं, मतलब कहानियों के माध्यम से जितनी अच्छी शिक्षा दी जा सकती है और दी गई है जी। मुझे उपदेशों के माध्यम से वो शिक्षा उतनी अच्छे से हम नहीं ना तो ग्रहण कर पाते हैं ना दे पाते हैं। आप देखिए रामायण और महाभारत कहानियां हैं, ये बहुत बड़ी कहानियां हैं और इनसे हमने जीवन जीना सीखा है जी। उन कहानियों के माध्यम से रामायण और महाभारत जैसी कहानियों के माध्यम से उन्होंने जीवन जीने का संदेश दिया, उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, उसको अपने रिश्तों का निर्वाह किस तरीके से करना चाहिए, जीवन की भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए, कुटिलता स्वार्थ और अच्छाई बुराई हर व्यक्ति के अंदर है। जैसे महाभारत हमको ये बताती है कि संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है, ऐसी घटना नहीं है, ऐसी परिस्थिति और ऐसा रिश्ता नहीं है जो महाभारत में ना हो। तो जीवन जीने की शिक्षा हमको कहानियों से मिलती है। अब अगर हम थोड़ा सा आगे हैं तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ और विजय राम देथा जी की जो कहानियाँ वो समाज का आईना है जी। वो समाज को आईना दिखाती है, वो समाज का दर्पण है जी। और उन कहानियों से हमको आप देखिए कि हमको जीवन की सच्चाइयाँ हमको पता चलती हैं जी। और कहानी ये तो है ही है, मतलब शिक्षा देने का मैं समझता हूँ एक बहुत बहुत ही बड़ा जरिया, बहुत बड़ा माध्यम और बड़ा सशक्त माध्यम कहानी है जी।
ये तो एक उसका सिखाने वाला पहलू हो गया। और अगर आनंद की बात करो तो मुझे लगता है कहानियों में जितना हमको आनंद मिलता है उतना आनंद मुझे फिल्में देखने में नहीं मिलता, मुझे उतना आनंद किसी नाटक को देखने में नहीं मिलता। बेसिकली है वो भी कहानी है कि एक कहानी है जो नाटक में हम देखते हैं, कहानी है जो फिल्म में हम देखते हैं, और असल जीवन में भी हर आदमी की अपनी कहानी है। आपकी है अपनी कहानी है, मेरी अपनी कहानी है, और ऐसी हजारों खूबसूरत कहानियाँ बिखरी हुई हैं। उन कहानियों को सामने आना, वो सामने नहीं आई है वो कहानी, वो उन कहानियों को हमें चाहिए कि हम सामने लेकर आए। हर आदमी की एक बहुत शानदार कहानी है, हम उससे बात करें, हम उससे पूछें तो वो हमें बताएगा। और वो कहानी भी इतनी ड्रामेटिक हो सकती है, वो इतनी मर्म स्पर्शी हो सकती है, दिल को छूने वाली हो सकती है। उस कहानी से भी जो उस व्यक्ति ने अपने जीवन में संघर्ष देखे होंगे, उन संघर्षों से पार पाते वो आगे बढ़ा होगा, तो वो अपनी कहानी का वो हीरो है। हर आदमी अपनी कहानी का हीरो है। तो कहानी एक तो आनंद बहुत देती है, सिखाती बहुत कुछ है, हम सीखते बहुत कुछ है। और अगर हम उपदेश के माध्यम से किसी को समझाना चाहें तो हो सकता है कि वो बोर हो जाए, हम खुद भी बोर होते हैं, लेकिन अगर हम वही शिक्षा अगर कहानी के माध्यम से देखें, इसमें का सबसे बड़ा उदाहरण मैं मानता हूँ पंचतंत्र की कहानी। बिल्कुल, पंचतंत्र की कहानियों के माध्यम से उन्होंने जीवन की शिक्षा दी है कि जीवन मतलब छोटी छोटी बातों से लेकर के बड़े बड़े रहस्य उन्होंने उन कहानियों में बड़े ही सरल भाव से उन्होंने समझाए हैं। इसलिए पंचतंत्र बच्चों को हम पढ़ाते हैं पंचतंत्र की कहानी, बिल्कुल, कि उनको जीवन के मूल्यों का ज्ञान हो सरल तरीके से जी। और वो कहानियां आनंद भी बहुत देती है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि कहानियां अपने आप में कहानियां होती है जी। और बात जब कहानियों की चल रही है, प्रेमचंद जी की चल रही है, गुजेदार देता जी की चल रही है, हम ऐसा मानते हैं कि राजेश भाई एक मुकम्मल एक्टर हैं जो कि कहानी का वाचन, कहानी का मंचन इस तरह की विधा में एक तरह की खास महारत रखते हैं। हमारे दर्शकों की ओर से और मैं मेरी तरफ से भी आपको एक निवेदन ये करना चाहता हूँ कि एक छोटी कहानी आप अगर हमारे दर्शकों को सुनाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। और मैंने कहानी विजयदान देथा जी की कहानी है, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी जी। और वो छोटी भी है और लेकिन बहुत खूबसूरत वो कहानी है जी। मैं वो आपके लिए पढ़ता हूँ, जरूर दर्शकों के लिए पढ़ता हूँ जरूर। ये कहानी में आपको बहुत मजा आएगा। विजयदान देथा बिंजी जी की लिखी ये कहानी है, कहानी का नाम है सावचेती। तो मैं शुरू करता हूँ। एक जंगल में सियार सियारनी का जोड़ा बसता, लिपी हुई साफ सुथरी हो, चारे खेत की दूरी पर निर्मल पानी का पोखर, जंगल में बेर के अनगिनत झाड़ झंखार, चुन चुन कर मीठे मीठे बेर खाते, सुख और आनंद की कोई सीमा नहीं, परस्पर बेहद प्रेम, एक दूसरे की छाया पर जान देते। सियारनी सीता से भी सवाई सफल थी, मच्छर मक्खी तक को शरीर का परस नहीं करने देती, नखरे व नजाकत के मारे सियार को चैन नहीं लेने देती। सियारनी की आत्मप्रशंसा सुन सुनकर सियार भी हांफने लगा कि एक बार उसने शेर को पूंछ से फटकार लगाई तो उसने 7 कुलाचे खाए, आखिर मुंह में तिनका लेने पर ही उसे माफ किया। बाघ तो तनी हुई बोहें देखते ही भाग छूटते हैं। अब इस जंगल का राजा मानो तो वो और बादशाह मानो तो, सियार न चाहे तो जंगल का एक पत्ता तक न हिले। एक बार देश में आकर उसने एक टीले को लात मारी तो वो घरौंदे की तरह बिखर गया। उसकी दहाड़ सुनकर बादल फटने लगते हैं। सियारनी को अपने पति पर बेहद गुमान था। एक बार आधी रात ढले सियारनी को प्यास लगी तो उसने अपने पति को जगाकर साथ चलने के लिए कहा। सियार झपकी लेते बोला, ऊंघ के मारे तो मेरी आंख ही नहीं खुलती, तू अकेली ही जाकर। मैं औरत जा अकेली कहां जाऊं? अरे पर तुझे यहां छेड़ने वाला कौन है? औरत की मर्यादा का तुम मर्दों को क्या पता? मुझे तो हवा और धूप का परस भी नहीं सुहाता, मगर बस नहीं चलता। सियार नींद में टिप्पे मारते कहने लगा, क्यों, इसमें बस की क्या बात, मेरा तो बस चलता है। तू कहे तो हवा और धूप को झाड़ियों के कांटों में ऐसा उलझाऊं कि कयामत तक न सुलग सके।
मगर पहले मेरे साथ तो चलो, प्यास के मारे ठीक से बोला भी नहीं जाता। सियारनी ने अधिक तंग किया तो आखिर सियार को साथ चलना ही पड़ा। आकाश में पूनम का चांद दमक रहा था, झाड़ी झाड़ी पर सुर्ख बेर चमक रहे थे, चांदनी की गोद में जंगल का कण कण निश्चिंत सोया था। सियारनी ने एक बार चांद की तरफ देखा, कितना सुंदर, कितना सुहाना, लाख सियार भी मिलकर इसके सामने नहीं टिक सकते। सियार किनारे पर खड़ा था। सियारनी थोड़ी आगे बढ़कर आराम से पानी पीने लगी। पानी पीकर मुंह ऊपर उठाने का विचार किया ही था कि उसे चांद की कुटिलता का भान हुआ। पानी में छिपा हुआ इतनी देर तक उसके होठों का चुंबन लेता रहा। यह मर्दों की जात ही कमीनी होती है। कड़ाके की सर्दी का खतरा मोल लेकर भी उसकी खातिर पानी में डुबकी लगाई। इन कल मुहिम मर्दों के मारे कोई सतवंती अपना सत रखेगी तो कैसे रखेगी। गुस्से में मुंह घुमाकर पति की ओर देखने लगी, बोली, यूं पास खड़े टुकुर क्या देख रहे हो? ये लफंगा चांद मेरा चुंबन लेने की हिमाकत कर रहा है। तुम साथ नहीं होते तो ये मेरे साथ जबरदस्ती कर बैठता। घरवाले की ये बात सुनकर सियार का मुंह गुस्से से तम तमा उठा, दांत पीस, कौन ये छचुंदर सा मरियल चांद, इसकी ये मजा, तू बोल अभी इसके परखच छोड़ा था। इतना कहकर वो शेर की तरह पंजा पटकने लगा, मानो चांद का इसी पर सफाया कर डालेगा। सियारनी ने एक बार फिर मुंह ऊंचा करके चांद की तरफ देखा। चांद भी उसका चेहरा देखने में तड़प रहा था। कितना आकर्षक, कितना कांति। पति को टोकते बोली, जाने दो, इस बदनजर चंडाल के पीछे सारी दुनिया तकलीफ उठाएगी, बेचारे बाल गोपाल अंधेरे में ज्यादा डरे। क्रोध में उफनते सियार ने और जोर से पंजा पटका, अरे नहीं नहीं नहीं, तू कहे तो अभी इस चांद की लुगदी बना दू। घरवाली पति का हाथ पकड़कर बोली, जाने दो जाने, तुम अपने सर कहां बदनामी क्यों लेते। घरवाली ने बार बार टोका तो सियार मान गया, नहीं तो दुनिया की बहुत बुरी गत बन। लौटते समय सियार ने सियार को समझाने लगी कि अपना सत और अपनी सावचेती अपने पास, ये मर्द हुआ चांद तरसता है तो तरसने, वो तो रात को अपनी खो के बाहर मुंह भी नहीं निकालेगी। सियार निर्लज चांद पर दांत पीसते हुए खो में घुस गया। अपने रूप के गुमान में फूली सियारनी को काफी देर से नींद आई और सुबह दो घड़ी दिन चढ़े मुश्किल से जाए, आंखें मलते मलते खो से बाहर। सूरज उसका रूप निहारने के लिए बेसब्री से तड़प रहा था। ये मर्दों की जात ही भाड़ में झोंकने लायक है, सबके सब एक जैसे, लेकिन पट्टा है तो बहुत तेज वाला, तब थारी सारी दुनिया को उजास से भरने वाला। देखू चांद की तरह ये भी बेशर्म है कि नहीं। प्यास न होते हुए भी वो पति के साथ चलने का आग्रह करने लगे। पति झुंझला के बोला, अरे बावली दिन को क्या डर, जा अकेली जा। सियारनी हट करते समझाने लगी, जब चांद जैसे बड़े बड़े देवता भी नियत बिगाड़ लेते हैं तब किस पर भरोसा किया जाए, औरतों का मन विश्वास करे तो कैसे, अब तो अकेले जाने को भी जी नहीं करता। जब सियारनी ने पीछा नहीं छोड़ा तो सियार को बेमन ही साथ जाना पड़ा। सियारनी ने जितनी बार तिरछी नजर से देखा उतनी ही बार सूरज को उसका रूप निहारने की खातिर तरसते पाया। किनारे पहुंचते ही चांद की तरह कुटिल सूरज भी पानी में डुबकी लगाए साफ नजर आया। पराई स्त्री का शील भ्रष्ट करने में इन मर्दों को जाने क्या हाथ लगता है। सियारनी ने पानी पीने की खातिर मुंह नीचा किया ही था कि झिझक कर मुंह घुमाया, पति की तरफ देखते हुए कह बोली, जो सोचा था वही हुआ, ये कमीना सूरज तो चांद से भी अव्वल निकला, दिन के उजाले में भी खुल्लम खुल्ला अंदर छुपा हुआ। सियार लपक कर पास आया और बेहद गुस्से में बोला, कहां है ये सूरज। सियार ने डुबकी लगाए हुए सूरज की तरफ इशारा करते बोली, वो रहा लंपट कहीं का। अब सियार के गुस्से पर क्या अंकुश,
बप्पर शेर की तरह पंजा पटकते बोला, तू बोल अभी इस मरबूत सूरज को मैं जमीन में गाड़ दूं। सियारनी ने फिर दम खाया। बोली जाने अपने स्वार्थ की खातिर सारी दुनिया तकलीफ उठाएगी, वो किस तरह अंधेरे में अपना गुजर बसर करेगी। सियार के कलेजे में आग भड़क उठी, दो गुने जोश से फिर पंजा पटका, दांत पीसते बोला, नहीं नहीं तू बोल अभी मैं इस मरबूत सूरज को बेर की तरह निगल जाऊं, मतीरे की खुपड़ी की तरह खुरच डालू। जाने थोड़ी तैयार हो, दुनिया बतुआ दे, अपने सर बेकार क्यों बदनामी लेते। सियार गुस्से में जोर से बोला, रहे बेकार कैसे, ऐसे आवारों को छोड़ने से पाप लगता है, तू देख। अब मुझे कुछ नहीं देखना, मेरे देखने से दुनिया का देखना मिट जाए, गम खा लो अपना सर और अपनी साफचेती अपने पास। तुम ऊपर मुंह करके इस निगोड़े सूरज का ध्यान रखो, तब तक मैं पेट भर पानी पी। आखिर सियार ने ये मना करने पर सियार ने जैसे तैसे जब्त किया, वो बिना पलक झपकाए सूरज की तरफ एक टक देखता रहा। उसकी ओज का सूरज के मन पर ऐसा डर बैठा कि वो फिर अपनी जगह से हिलाकर नहीं। सियार ने काफी देर तक मजे से पानी पीती रही और पानी में छिपा सूरज उसके होठों का चुंबन लेता रहा। ऐसी प्यास पहले कभी नहीं बुझी। प्यास लगना और न लगना किसी के बस की बात नहीं। वो रात को भी कई बार पति को खदेड़कर साथ ले जाती और सियार मुंह ऊंचा करके चांद का पूरा पूरा ध्यान रखता, तत्पश्चात बारी बारी चांद और सूरज के चुंबनों के लिए अधीर सियार ने मजे से अपनी प्यास बुझाने लगी। सो बुझाती ही अपना अपना सत्य, अपनी अपनी समझी। बहुत ही अच्छी कहानी राजेश जी, ये निश्चित रूप से हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने आनंद लिया होगा। मेरी तरफ से बस एक अंतिम प्रश्न ये रहेगा कि आज जब आप 17-18 साल की लंबी जर्नी करने के बाद और बहुत सारे नाटक करने के बाद, फिल्म भी करने के बाद, जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो फिर क्या पाते हैं, क्या एक एहसास, क्या वो बात जो आपको लगता है कि कहनी चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ये केवल कलाकार की बात नहीं, मतलब एक इंसान चाहे कोई भी काम करता हो अपने जीवन में, चाहे वो कुछ भी काम करता हो, नौकरी करता हो, व्यापार करता हो, किसी भी तरीके का काम करता हो, एक कलाकार और एक कलाकार की चाहे कितनी मदद करे, ये तो एक लंबी यात्रा है, अनवरत चलने वाली यात्रा है। तो उन गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए जी। मैं ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ इन दिनों, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी गलतियों से सीखूं उन्हें और उनको गलतियों को सुधार करके मैं आगे बढ़ूँ। तो अभी जब मैं पीछे मुड़ करके देखता हूँ तो मुझे बहुत गलतियाँ नजर आती हैं। अच्छा, मुझे बहुत गलतियाँ नजर आती हैं व्यक्ति के तौर पर भी, व्यक्तिगत स्तर पर भी और एक कलाकार के तौर पर भी जी। तो मैं उन गलतियों को ठीक करने के मैं कोशिश करता हूँ एक इंसान के तौर पर भी, कलाकार के तौर पर भी। तो बहुत कुछ सीखना तो है ही, और सीखना तो अनवरत जारी रहता है, वो तो आखिरी समय तक भी जारी रहता है। तो मैं सीखता रहूँ, आगे बढ़ता रहूँ, सब ऐसा करें, मैं मतलब अकेला मैं नहीं कि सभी लोग ऐसा करें, भविष्य की ओर देखें, आगे बढ़ें और गलतियों से सीखें। पीछे पीछे मुड़ने का, पीछे देखने का सिर्फ एक मतलब होना चाहिए, गलतियों को अतीत से सीख करके हम आगे बढ़ें जी। तो मित्रों, ये थे एक्टर रंगकर्मी राजेश विलायकराय। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस बारे में हमें कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए आप सबको गुड बाय, नमस्ते और राजेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।